आज हम बताने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक न्यू वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। गूगल पे आप लिख सकते हो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। यहाँ पे आपका आ गया है डाउनलोड वर्डप्रेस। अभी क्या है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 4.6.1। हमने क्या किया कि डाउनलोड पे क्लिक किया और हमारी यहाँ से क्या होगी कि वर्डप्रेस का एक बंडल जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। अभी के लिए हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अब हम क्या करेंगे कि सीखेंगे कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वर को ऑन किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइड में वैम सर्वर आ गया है, लेकिन बट अभी ये ऑफलाइन है रेड। हमें इसका ग्रीन होने तक का वेट करना है। ग्रीन का मतलब है कि वैम सर्वर हमारा ऑन हो चुका है। हम देख रहे हैं कि वैम सर्वर हमारा ग्रीन हो गया है। हमें क्या करना है कि ब्राउज़र खोलना है अपना, वहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन। हम देख रहे हैं कि पी एच पी एडमिन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा PHP एडमिन स्टार्ट हो गया है। हमने क्या किया, आप देख रहे हो यहाँ पर हमने डेटाबेस पे क्लिक किया और सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया किसी भी नाम से, जिस नाम से आपने वर्डप्रेस बनानी है। एज्यूम कर लो कि हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस को क्रिएट किया। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो हमने जिप फाइल वर्डप्रेस की डाउनलोड की थी, हमने उस फाइल को कहाँ पे रखना है, हमने जिस भी डायरेक्टरी में वैम सर्वर को इंस्टॉल किया था वहाँ पर एक वैम्प नाम से फोल्डर बनता है। हम वैम्प फोल्डर में गए, उसमें www का फोल्डर, और नाउ हमें यहाँ पे वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। हमारी वर्डप्रेस कॉपी हो रही है। हमने देखा कि इसमें हमारी वर्डप्रेस आ गई है। अब नाउ हम क्या करते हैं, हम जिस नाम से डेटाबेस बनाया है हम वो नाम भी दे सकते हैं और कोई अनदर नाम भी दे सकते हैं। इसको रीनेम करेंगे। अब मैं इसे भी लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, हमने किया ये। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने ब्राउज़र पे और वहाँ लिखना है लोकल होस्ट। हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमारा ये बना हुआ है। हमने इसको क्लिक किया, वेट करेंगे हम लोड होने तक।